हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद संगीता। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि अच्छी होंगे। फ्रेंड, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए, आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी हेल्दी होने वाली है फ्रेंड, तो मेरे साथ बने रहिए इसे देखने के लिए। तो यहाँ मैंने 100 ग्राम गुड़ को मेल्ट करने के लिए थोड़ी सी पानी डालकर हम गर्म कर लेंगे फ्रेंड, अच्छे से हमारे गुड़ पिघल सके। इधर मैंने केक को बेक करने के लिए कढ़ाई को चढ़ा दिया फ्रेंड, क्योंकि मेरे पास अवन नहीं है तो मैं कढ़ाई में ही बेक करूँगी। तो ये देखिए, अब मैं इधर घर का जो खाने वाला आटा होता वही मैं 1.5 कप छान लूँगी। और जब मैंने अपने बेटे के लिए बनाया तो सभी को बहुत ही पसंद आया फ्रेंड। लग ही नहीं रही थी कि गुड़ और आटा से बनी है ये रेसिपी। तो आप भी बना सकते हो फ्रेंड आराम से घर पर। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ थोड़े से ड्राई फ्रूट को कट करके रख लूँगी। आपको डालना हो तो डालो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो फ्रेंड। तो इधर मैंने 1/2 कप दूध में 1-2 चम्मच विनेगर डालकर हम छोड़ देंगे फ्रेंड। ये देखिए, ये बटर मिल्क में कन्वर्ट हो गई है। 2 मिनट के लिए हमें रखना है इसे। तो अब अपने हम बटर मिल्क को ले लेंगे एक बर्तन में और 1/4 कप घी डालेंगे फ्रेंड। आप चाहो तो यहाँ पर रिफाइंड भी डाल सकते हो। मैंने सोचा हेल्दी ही बनाना है आज केक मुझे, तो ये मैंने घर की मलाई डाल दी है जो दूध से निकलती है फ्रेंड। इसे अच्छे से मिलाकर हम रख देंगे। तो इधर मैंने 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर को डाल दिया है और अच्छे से हम मिला लेंगे फ्रेंड। चुटकी भर नमक डाल देंगे मीठा को इन्हेंस करने के लिए। अब इसमें हम वेनिला एसेंस को डालेंगे और भी ये टेस्टी लगे फ्रेंड खाने में। तो अब मैं 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। और हम इसे एक ही डायरेक्शन में मिलाएंगे फ्रेंड। सूखा इंग्रेडिएंट्स को धीरे धीरे करके डालेंगे और जो गुड़ वाला पानी था उसे भी हम छान कर डालेंगे फ्रेंड, कि कुछ भी उसमें डंठल वगैरह रहे तो निकल जाए। और ये देखिए, अभी ठीक है हमारी बैटर। तो इसमें मैं थोड़ी सी और दूध डालूंगी और इसे एक ही डायरेक्शन में हमें फेंटना है। इस बात का ध्यान रखें फ्रेंड, अगर आप चारों तरफ से फेंटोगे तो ये फूलेगी नहीं अच्छे से। और ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी करना है फ्रेंड। तो यहाँ मैंने थोड़े से डेसिकेटेड कोकोनट तेल लिया है और ड्राई फ्रूट कटी हुई, थोड़ी सी मैंने चेरी काटी थी फ्रेंड और किशमिश, और थोड़ी सी को मैं बचा के रख लूँगी डेकोरेट करने के लिए। तो मैं थोड़े से यहाँ पर टूटी फ्रूटी ऐड करूँगी, आपके पास हो तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये बटर पेपर मैंने लगा लिया है टिन में। अब हम अपने बैटर को डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी की हो गई हमारी बैटर, तभी हमें क्यों डालना है, नहीं तो थोड़ी गाढ़ा रहेगा तो अच्छा नहीं होगा फ्रेंड। तो अब इसमें हम डेकोरेट करने के लिए अपने ड्राई फ्रूट को ऐड कर देंगे। आपको पसंद हो तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो फ्रेंड। टेस्ट में कोई भी कमी नहीं आएगी इसे, पर अगर खाते हुए वक्त आपके मुंह में जाता है तो बहुत ही टेस्टी लगती है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है फ्रेंड। तो यहाँ मैंने बेक करने के लिए इसे 45 मिनट दिया है। और ये देखिए फ्रेंड, चाकू में डालकर देखूंगी, अगर ये क्लीन निकले तो सही है, नहीं निकले तो इसे हम 10 मिनट के लिए फिर से बेक कर लेंगे फ्रेंड। और 2 घंटे के रेस्ट के बाद मैं इसे निकाल रही हूँ। अच्छे से ठंडी नहीं होगी तो ये टूट भी सकती है। तो ये देखिए फ्रेंड, बटर पेपर उसी में रह गया और हमारी केक कितनी क्लीन निकली है। तो कैसी लगी ये रेसिपी बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें फ्रेंड। और मैं कट कर दिखा रही हूँ आपको कितना स्पंजी बना है हमारा केक। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा फ्रेंड।
और आप भी ट्राई करें इसे। थैंक यू।